अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ कि वाइट बॉल या क्यू बॉल को कैसे सेव करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन करें ताकि मज़ीद लेटेस्ट वीडियोस आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें। तो गाइस, आपने चार हेड स्टेट में रख लेनी है और आपको जो ये नज़र आ रहा है क्यू बॉल, तो ये क्यू बॉल मैंने इसलिए बनाया ताकि आप लोगों को पता चले कि मैं वाइट बॉल को कहाँ पे हिट कर रहा हूँ या क्यू बॉल को कहाँ पे हिट कर रहा हूँ। बस स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे हम स्क्रू मारेंगे। आप देख रहे हैं क्यू बॉल कहाँ पे आपको स्पॉट नज़र आ रहा है, वहाँ पे मारा है मैंने आप। तो ये प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है, इस प्रैक्टिस से आप क्यू बॉल सेफ रहेगा। तो गाइस, प्रैक्टिस के बगैर आपकी गेम बिल्कुल नहीं बनेगी। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप लोग वहीं के वहीं रह जाएंगे जहाँ पे आप फंसे हुए। कुछ लोग दो तीन सालों से खेलते रहते हैं, पाँच छः साल भी लग जाते हैं, लेकिन बस वो खेलते नहीं, बस जस्ट टाइम पास करते हैं। अगर आपने टाइम पास करना है तो आप मेरी वीडियो ना देखें, अगर आपने सीखना है तो मेरी वीडियो देखें और प्रैक्टिस करें रोज़ाना। बस प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपकी गेम बिल्कुल इम्प्रूव नहीं होगी। आप किसी क्लब में खेलते हैं तो वहाँ पर भी आप प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस 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 वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसी तरह आपने बस सेव करने की प्रैक्टिस रोज़ाना करनी है। ये जो आपको मैं प्रैक्टिस की ड्रिलें बता रहा हूँ ये आपने डेली करनी है तो आपकी गेम बहुत ही इम्प्रूव होगी। तो यहाँ पे हम बस मिडल हिट करेंगे, मिडल पे क्यू बॉल को, और जहाँ भी क्यू बॉल रुकेगा वहीं से हम फिर से हिट करेंगे। तो जस्ट सेव करने की प्रैक्टिस करनी है। अगर आप क्लब में किसी के साथ गेम खेल रहे हो और आपके पॉटिंग नहीं हो रही तो गाइस सेव करते जाएँ, सेव करें, 10-15 की ब्रेक करें, फिर सेव करें, ऐसे ऐसा स्कोर करें और ऐसे ऐसा आप जीते जाएंगे। तो यहाँ पे अब हम टॉप स्पिन यूज़ किया जिससे बॉल जाके आराम से सेफ हो गया। तो गाइस सेफ 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 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो गाइस, आप जितना भी ज़्यादा सेफ करेंगे उतने ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, उसकी वजह से आपका ओपोनेंट मेंटली हार जाएगा और वो आपको गेम में गुस्से में से खेलेगा तो आपको बंद बन जाएगी। आप ऐसे सपोर्ट करते जाएँ और आराम से गेम जीतते जाएं। अभी यहाँ पे येलो बॉल को देख रहे हैं तो येलो बॉल भी इसी तरह सेव करें, तब तक सेव करते रहें जब तक आपको बन ना जाए। तो यहाँ से हम फिर से सेव करेंगे, फिर से आराम से सेव करेंगे। सेफ्टी बहुत ही ज़रूरी है, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप लोग समझ जाएँ कि सेफ्टी क्यों ज़रूरी है। सेफ्टी भी लगाएं, स्नूकर की कोशिश करें ताकि स्नूकर लगें, स्नूकर लगने से आपको पॉइंट बढ़ते हैं, फ्री बॉल भी मिल जाता है। तो गाइस फोकस करें मेरी बातों पे। तो गाइस देखा, यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त स्नूकर लगा है येलो पे। इसी तरह आप स्नूकर लगाते रहें, सेफ करते रहें, जब बॉल बन के आए तो फिर से पॉट करें, अगेन फिर से एक और ड्रिल है। इसी तरह आप ड्रिलें करते जाएं, सेव करते जाएं। अगर आप डेली 1 घंटा भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी गेम में बहुत ज़्यादा फ़र्क आएगा। आप 4-5 घंटे प्रैक्टिस करें, फिर आप अपनी स्टडी करें, जो भी आप जॉब कर रहे हैं कुछ वो करें, पहले आप प्रैक्टिस करें, या ड्यूटी के बाद प्रैक्टिस करें, या जॉब कर दें या पढ़ते हैं फिर स्टडी करें, 5-6 घंटे स्टडी करें, 5-6 घंटे प्रैक्टिस करें, फिर आराम से सो जाएं, सेव करें और डंडे शॉट से प्रेस करें। डंडे शॉट का पता ही होगा, जो आप जब आपको स्नूकर लगता है या आपको सेफ बॉल आती है तो आप उसको फुल पावर शॉट में कह देते हैं, क्या क्या सिक्स पॉकेट में चली जाएगी कि सेफ में चली जाएगी। तो इस तरह ना खेलें, सेफ करने की कोशिश करें, आराम से खेलें, प्लेयर्स की गेम्स देखें, रोनी सलवन की गेम देखें, आराम से खेलें, स्टांस वगैरह पे फोकस करें, तो फिर आपकी गेम इम्प्रूव होगी। तो यहाँ पे हम फिर से सेफ की ट्राई लेंगे। अगर आपको इस तरह का बॉल आए तो फिर भी आप सेफ की ट्राई लें, अगर आपने सेव कर लिया तो आपका ओपोनेंट आपको ज़रूर चांस देगा, फिर आप क्लियरेंस मार दें यहाँ से और गेम जीत। तो गाइज़, अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें वीडियो को और चैनल को शेयर करें दोस्तों के साथ, वीडियो भी शेयर करें।